सिम कार्ड में इन लाइंस का क्या पर्पज है? स्मार्टफोन के ए और हमारा ए लिखने में अंतर क्यों है? और पेड़ों पर यह आधा व्हाइट पेंट करने का क्या राज है? और ऐसे ही मजेदार राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर वन, हम बचपन से ABCD लिखते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि हम ए को दो तरीके से क्यों लिखते हैं? स्मार्टफोन, कंप्यूटर, बुक्स में हम ऐसे ए को देखते आ रहे हैं। ये ए की डबल रोल के क्या झोल है भाई? अगर मैं रियल ए के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन कंप्यूटर वाला ही होता है, लेकिन ये कंप्यूटर वाला ए लिखने में ज्यादा टाइम लेता है। और इसी टाइम को बचाने के लिए हम रनिंग हैंड में इस छोटे वाले ए को लिखते हैं। फैक्ट नंबर टू, आज तक आपने बहुत बार लिपाई पोताई वाला काम देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इन पेड़ों की लिपाई पोताई पर गौर किया है? अनलाइक घरों की सजावट की तरह, ये पेड़ों की सजावट के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इनके एक नहीं अनेक पर्पज है। पहली बात तो इनके ये रेड एंड व्हाइट कलर ये बताती है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है, और दूसरी ये कि इनको रास्ते में विजिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि देर अंधेरे रात में व्हाइट कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए आपने रोड पर भी व्हाइट पट्टों को देखा होगा। फैक्ट नंबर थ्री, हमने सिम कार्ड को बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जानते कि सिम कार्ड में ये लाइन क्यों होते हैं। पहले तो मुझे भी लगता था कि ये लाइन सिर्फ डिजाइन के काम में आते हैं, बट सेमीकंडक्टर से बने ये लाइन का एक बहुत ही मस्त पर्पज है। दरअसल ये लाइन सिम को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देते हैं, और इन सेगमेंट्स में आपके कॉन्टैक्ट्स तो सेफ रहते ही है, साथ ही ये एज एंटेना भी वर्क करता है, जिससे कि एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से आपका स्मार्टफोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। फैक्ट नंबर फोर, सिलेंडर कभी हरा तो कभी देखने में लाल है, ये इनका कोई फैशन है या सच में कोई गोलमाल? आपने बहुत तरह की गैस सिलेंडर को देखा होगा, कभी लाल तो कभी ये नीला वाला, कभी हरा तो कभी ये पीला वाला, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिलेंडर इतने रंग बिरंगे कलर्स में क्यों आते हैं? इसका भी कोई पर्पज हो सकता है क्या? Well, things with purpose की वीडियो तो पर्पज तो जरूर होना है भाई। इन सिलेंडर्स को इनके नेचर के अकॉर्डिंग पेंट किया जाता है, जैसे टॉक्सिक गैस के लिए येलो सिलेंडर, लाइट ब्लू ऑक्सीडाइजिंग गैस के लिए, और ब्राइट ग्रीन इनर्ट गैस के लिए, और फ्लेमेबल गैस के लिए हमारे ये रेड वाला। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।